लास्ट टाइम हमने शेल्स की प्रॉब्लम की थी, कंसेंट्रिक शेल्स की वजह से हमने पोटेंशियल की वैल्यू को निकालना सीखा था। तो आज हम इसके दो क्वेश्चंस और करेंगे शेल्स के, जिसमें पहला क्वेश्चन कि अगर आपके पास दो शेल्स हैं, एक शेल जिसके ऊपर चार्ज कितने है Q1 और दूसरा शेल जिसके ऊपर चार्ज कितने है Q2, रेडियस एक का ए, एक का रेडियस बी, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट के ऊपर, जैसे ये कोई भी ए पॉइंट है, या इस सरफेस की बात करूं, फर्स्ट शेल की सरफेस की बात करूं, तो पहले शेल की सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, कौन लगाएगा पोटेंशियल, दोनों शेल्स लगाएंगे। पहले शेल के ऊपर चार्ज कितना है Q1, पहला शेल अपनी सरफेस पे कितना पोटेंशियल लगाएगा 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय A। तो ये स्टेप क्लियर है, 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय A। और जो सेकंड शेल है वो भी यहां पे पोटेंशियल लगाएगा। अब सेकंड शेल क्या कहेगा, क्योंकि ये पॉइंट मेरे शेल के इनसाइड लाई करता है, तो जितना पोटेंशियल मेरी सरफेस पे होगा उतना ही इनसाइड होगा। तो सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस इज बी। तो क्या ये स्टेप क्लियर है, तो इस पॉइंट पर दोनों शेल्स पोटेंशियल लगाएंगे, पहला Q1 लगाएगा और दूसरा Q2 जितना सरफेस पे पोटेंशियल है एग्जैक्टली उतना यहां पे लगाएगा। तो मैंने यहां पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लिया, तो ये स्टेप क्लियर है। अब एक काम करते हैं, मैंने पॉइंट शिफ्ट कर दिया, मैंने कहा एक पॉइंट कहां पर है, बी पॉइंट यहां पर है, यहां पे पोटेंशियल बताओ, यहां पे पोटेंशियल कौन लगाएगा, दोनों शेल लगाएंगे। तो फर्स्ट शेल के लिए ये डिस्टेंस कितना है बी, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय बी। और सेकंड शेल यहां पे अपने ही सरफेस पे कितना पोटेंशियल लगाएगा 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाय बी। तो मैंने पोटेंशियल किस पे निकाल लिया, बी पे निकाल लिया और ए पे निकाल लिया। तो ए पे पोटेंशियल आ गया, बी पे पोटेंशियल आ गया। एक काम करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल को माइनस कर दिया, तो मैंने VA में से VB को माइनस कर दिया। तो जब मैंने माइनस किया तो ये वाली टर्म कॉमन थी और ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो गई और मेरा आंसर इसके इक्वल आ गया। तो पहला स्टेप क्लियर है, जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके इक्वल आ गया। दो शेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस आउटर शेल के चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, दो शेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंडेंट है कि इन दो शेल्स के अंदर कितना चार्ज है, और अंदर कितना चार्ज है Q1 चार्ज है। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब क्वेश्चन आएगा आपको ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी में ऐसी कोई थ्योरी लिखवाने को नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, वो कहेगा दो शेल्स है, दो शेल्स के ऊपर Q1 Q2 चार्ज है। वो कहेगा कि दो शेल्स के ऊपर Q1 Q2 चार्ज है, उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, वो जो भी इसका आंसर है वो आपको मालूम है। वो कहेगा जो आउटर शेल है ना उसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा चार्ज और दे दिया 100 कूलम का, तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस कितनी वैल्यू से चेंज हुआ, कितनी वैल्यू से चेंज हुआ, चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंडेंट था, सिर्फ Q1 पे डिपेंडेंट था, Q2 पे पहले भी डिपेंडेंट नहीं था। और अगर आपने चार्ज Q2 को और ज्यादा या कम कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये स्टेप क्लियर है। तो दो शेल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ इनसाइड वाले शेल के चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है, आउटसाइड वाले चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है। फिर वो अगला क्वेश्चन पूछेगा, दो शेल्स हैं, Q1 Q2 चार्ज है, जो आउटर चार्ज है उसको मैंने अर्थ कर दिया, उसको मैंने 1000 कूलम चार्ज दे दिया, उसको मैंने अर्थ कर दिया, अरे मेरी तरफ से जो मर्जी करो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंडेंट है, ओनली ऑन इनर चार्ज Q1। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें। दो शेल की बात हो रही है, तीन में रूल चेंज होंगे, करके देखना पड़ेगा, फिर ये n नंबर ऑफ शेल्स के लिए वैलिड नहीं है, ये दो के लिए तो पक्का वैलिड है, राइट। तो तीन में करके देखेंगे इसे, तो ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि ये ऐसा ही होगा, मालूम नहीं तीन में मैंने किया नहीं, वैसे दो का ऑब्जेक्टिव तो कॉमन है,
दो का ऑब्जेक्टिव तो मैं बहुत बार देखा है कि वो कभी ऐसा करेगा, वो कहेगा Q2 को चेंज कर दिया, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, अर्थ कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता पोटेंशियल डिफरेंस में, कोई फर्क नहीं पड़ता दो शेल्स में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप किताब खोलोगे आपको थ्योरी मिलेगी, आपको किसी किताब में थ्योरी मिलेगी नहीं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन आएगा कि आपके पास दो शेल्स हैं, एक के ऊपर चार्ज कितने Q1 है और एक के ऊपर चार्ज कितने Q2 है, ठीक। तो Q1 है Q2 है, आपने इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है? इनर शेल के चार्ज पे डिपेंड करता है, आउटर शेल के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है यहां तक? तो ये आपने वैल्यू लिख ली। अब क्वेश्चन आएगा कि मैंने इन दोनों शेल्स को एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर लिया, तो अगर मैंने इन शेल्स को एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर लिया तो ऑब्वियसली चार्ज मूव करेगा, कंडक्टर ज्वाइंट है तो चार्ज तो मूव करेगा, चार्ज कहां से मूव करेगा? तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले इस टाइप का कॉन्सेप्ट, तो शायद आप ये कहेंगे कि जिस शेल के ऊपर ज्यादा चार्ज है वहां से मूव करेगा और जिस शेल के पास कम चार्ज है वहां पे जाएगा। तो चार्ज विल मूव फ्रॉम अ हायर चार्ज बॉडी टू अ लोअर चार्ज बॉडी, ऐसा बोलेंगे आप, आपने ऐसा बोलना है, चार्ज विल मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल बॉडी टू अ लोअर पोटेंशियल बॉडी। तो चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, और अगर ऐसा बोलना है पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये नेचर का रूल है। तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही मूव करता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, आपने इन्हें किससे कनेक्ट कर दिया भाई, कंडक्टिंग वायर। तो क्वेश्चन आएगा कि बताओ Q1 Q2 की तरफ गया या Q2 Q1 की तरफ आ गया, या चार्जेस एवरेज हो गए, ये क्या हुआ ये बताओ। तो मेरे को एक चीज पता है, चार्ज मूव करेगा फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल बॉडी टू अ लोअर पोटेंशियल बॉडी, ठीक है, यहां तक ये रूल क्लियर है। पोटेंशियल की अगर बात करते हैं तो दोनों के बीच में जब वायर कनेक्ट नहीं की थी तो देयर वॉज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये रहा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है इसका मतलब दोनों शेल्स के पोटेंशियल सेम नहीं थे, ये भी क्लियर है यहां तक, तभी इनमें पोटेंशियल डिफरेंस था। तो अब दो केस हैं, दो केस कैसे बनेंगे? पहला केस कि Q1 की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर मान लो अंदर के शेल पे पॉजिटिव चार्ज हो फिर क्या होगा। दूसरा केस, अगर अंदर के शेल पे नेगेटिव चार्ज हो फिर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो हो सकता है ये बाहर जाए चार्ज, और अगर ये नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा, ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, मैंने इन दोनों शेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, ये रहा। मैं दोनों केसेस डिस्कस करता हूं। पहला केस मैं ये डिस्कस करता हूं कि मान लो Q1 की वैल्यू इसमें क्या है, पॉजिटिव है, मान लो अंदर का शेल पॉजिटिवली चार्ज्ड है। मैं Q2 की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस Q2 पे वैसे भी डिपेंडेंट है ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ Q1 पे डिपेंडेंट है। और मान लो Q1 पॉजिटिव है, तो अगर अंदर का शेल पॉजिटिव है तो ये वाली टर्म अगर पॉजिटिव है, ये तो वैसे ही सब पॉजिटिव है, तो VA माइनस VB का डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एग्री कर गए? तो VA माइनस VB पॉजिटिव आएगा, और VA माइनस VB पॉजिटिव का मतलब है कि VA की वैल्यू बड़ी है और VB की वैल्यू छोटी है। मतलब A का मतलब ये शेल हायर पोटेंशियल पे है और ये शेल लोअर पोटेंशियल पे है। और रूल क्या कहता है, पॉजिटिव चार्ज, ये कौन सा चार्ज हमने माना, पॉजिटिव, इट विल मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। तो आप नोट करेंगे Q1 की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी अंदर वाले शेल से कहां पर, बाहर वाले शेल तक। तो Q1 विल मूव फ्रॉम इनर शेल टू आउटर शेल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, आधा जाएगा या 30% जाएगा कि सारे का सारा चला जाएगा? तो इस क्वेश्चन में सारे का सारा चला जाएगा। आपको वो कैसे पता लगा, मान लो कि Q1 की वैल्यू पूरी की पूरी बाहर चली गई, तो आपको डायग्राम ऐसा दिखेगा। अब अंदर तो कुछ नहीं बचाना,
मेरे कहे पे मान लो Q1 ने जाना शुरू किया, वो तो आपको समझ में आ गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, तो इसने जाना शुरू कर दिया, तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि सारे का सारा चार्ज चला गया। तो अब सारा का सारा अगर चार्ज चला गया तो अंदर शेल पे चार्ज क्या बचा? जीरो, कुछ भी ना बचा, ये भी क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सारा चार्ज बाहर है और ये ए पॉइंट है और मैं पूछता हूं कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या लगेगा, तो आप मुझे क्या कहेंगे? इनर शेल यहां पर पोटेंशियल लगाएगा ही नहीं, जो इनर शेल है इनर शेल पे तो चार्ज ही नहीं है, तो इनर शेल तो यहां पर पोटेंशियल लगा ही नहीं सकता। कौन लगाएगा? आउटर लगाएगा। आउटर शेल से पूछो कि तू कितना पोटेंशियल लगाएगा ए पे, तो आउटर शेल क्या कहेगा? क्योंकि ये पॉइंट मेरे अंदर लाई करता है, तो जितना पोटेंशियल मेरी सरफेस पे होगा उतना ही मेरे अंदर होगा। तो सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा? 1/4 pi epsilon naught Q1 plus Q2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस इज बी। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? यहां पर पोटेंशियल कौन लगा रहा है? आउटर शेल। और आउटर शेल इसके इनसाइड ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल लगाएगा? यहां पर ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल लगेगा जितना इसकी सरफेस पे होगा उतना ही अंदर लगेगा, और सरफेस पे क्या होगा? ये सरफेस पे होगा। अब अगर मैं ये कहूं कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, अरे सरफेस का पोटेंशियल तो वैसे ही क्लियर है, 1/4 pi epsilon naught Q1 plus Q2 divided by b। तो आपने एक चीज नोट की, ए और बी का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम है, और वो सेम क्यों हुआ? क्योंकि अंदर का चार्ज सारा उठ के कहां चला गया? बाहर चला गया। तो जब चार्ज अंदर से बाहर चला गया तो ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या हो गया? सेम, राइट? तो अब और चार्ज तो है ही नहीं, तो शॉर्टकट क्या बना? शॉर्टकट ये बना कि आज के बाद किसी क्वेश्चन में अगर दो शेल्स हैं, उन दो शेल्स में Q1 Q2 चार्ज है, और अगर अंदर का चार्ज पॉजिटिव है, अंदर के शेल पे चार्ज पॉजिटिव है, और आप एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दें दोनों शेल्स को, तो अंदर का सारा चार्ज उठ के कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव आपको। तो क्या यह पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो याद रहेगा शॉर्टकट, उस टाइम ये नहीं होता, थ्योरी नहीं बनती, मैं वी ए निकाल लूं, मैं वी, अरे आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे केस में ये होगा। अब मान लो आपको क्वेश्चन में Q1 नेगेटिव दे दिया, मान लो उल्टा दे दिया, तो Q1 की वैल्यू इसमें क्या कर दी उसने? अंदर के शेल पे जो चार्ज है वो क्या दे दी? इसमें नेगेटिव दे दी। अब क्वेश्चन आएगा कि अब अंदर के शेल पे चार्ज नेगेटिव है, तो बोलो अब क्या होगा जब मैंने इनको कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया? तो मुझे पता है कि अगर अंदर का चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने इनमें निकाला था VA माइनस VB, उसमें अगर Q1 नेगेटिव है तो ये डिफरेंस भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। डिफरेंस नेगेटिव का मतलब कि VA की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? छोटी। VB की वैल्यू क्या आएगी? बड़ी। तो VA छोटा है और VB बड़ा है। तो क्या मैं ये पॉइंट यहां पे लिख लूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मेरा Q1 क्या है? नेगेटिव है। Q1 अगर नेगेटिव है तो ए पॉइंट पर ये कौन सा पोटेंशियल होगा? लोअर। और यहां पर पोटेंशियल क्या होगा? हायर। ठीक है, अब नेचर का दूसरा रूल समझो। पहला रूल क्या था? पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल। ये स्टेटमेंट याद रखना, पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल। तो नेगेटिव चार्ज की बारी आ गई। नेगेटिव चार्ज बाय नेचर कहां मूव करता है? फ्रॉम अ लोअर पोटेंशियल टू, तो अल्टीमेटली फिर कहां जाएगा? बाहर ही जाएगा। तो बढ़िया शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? कि आपके पास अगर दो शेल्स हैं, उसमें कैसा भी चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, जैसा मर्जी लगा लो, Q1 Q2 लगा लिया, अगर आपने उन्हें कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया, हर हालत में अंदर वाले शेल का चार्ज ही बाहर जाएगा, चाहे उसकी नेचर पॉजिटिव हो चाहे उसकी नेचर नेगेटिव हो। क्या ये शॉर्टकट याद रहेगा? कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो ये रूल आपने याद रखना है। ठीक, तो ये मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारा, इसमें ये हमने कर लिया था, ये हमने शॉर्टकट किया था कि अगर n स्मॉल ड्रॉप्स हैं, एक छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल V है, कंबाइन हो गए, कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बना, तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा? n रेस्ट
एन रेज टू पावर 2/3 इंटू वी। तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल एन रेज टू पावर 2/3 इंटू वी हमने प्रूफ किया था। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक? ठीक ठीक है। मैंने कुछ वो असाइनमेंट दी थी, कितने लोगों ने ट्राई की? 13-14 ने, वो जेई मेंस वाली असाइनमेंट, जेई मेंस की ट्राई की। आपको ऐसा फील हुआ कि मेंस वाले सीट इतनी फ्री में नहीं देते, कुछ मेहनत तो शायद करवाते ही हैं। इतना आसान नहीं है बट इतना मुश्किल भी नहीं है ना, मतलब मॉडरेट है। नीट वाले फिर भी मॉडरेट, नीट वाले ईजी हैं, नीट वाले रेंज में हैं। एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन ही आते हैं नीट में, बट जो मेंस वाली शीट है वो बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं। इवन एक फॉर्मूला तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने शीट में नोट भी नहीं किया हुआ और आपको भी नहीं कराया, वो मैं इसमें नोट करके आपको नेक्स्ट टाइम शीट बना के दूंगा कि अगर डायपोल है, डायपोल का हमने पोटेंशियल सीखा, डायपोल का ई भी सीखा, हमने डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर फॉर्म में नहीं सीखी। मैं आपको नेक्स्ट टाइम शीट दूंगा उसकी, तो मैं एक बार ब्रीफ कर दूंगा आपको उसका। जो जो टॉपिक नए डालते जा रहे हैं तो इससे पहले कभी आया नहीं, बुक्स में मिला भी नहीं, तो जो जो आते जा रहे हैं मैं शीट उसमें अपग्रेड करता जाऊंगा, आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक, प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें, तभी बात बनेगी। बिना प्रैक्टिस के किसी का क्लियर नहीं हुआ, जिसने पुराने पेपर नहीं किया उसका क्लियर नहीं होगा, 100% है, क्योंकि पुराने पेपर करने से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, आपने देखा ही होगा। चाहे उसमें से आप ये ना सोचें कि 100 में से 100 नहीं हो रहे, या मैंने अगर 50 क्वेश्चन दिए 50 के 50 नहीं हो रहे, वो 50 नहीं होंगे एक बारी में। अगर आप उसमें से बिना देखे 50% पेपर कर पा रहे हैं तो बड़ी बात है, वो छोटी बात नहीं है फर्स्ट राउंड में। और आप ज़्यादा कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप 70% कर पा रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, तो अपने एक्सपेक्टेशन को ऐसा रखें कि लो अब तो हमने कर ही लिया, ये देखो जी सारे पेपर, ऐसा नहीं होगा, कुछ आपको सीखना भी पड़ेगा उन पेपर से। तो अगर आपको देख के समझ में आ रहे हैं, अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आए आप कर पा रहे हैं तो ये भी प्लस है। तो अगर इसमें से कोई एक क्वेश्चन रिपीट होता है तो प्लस ही प्लस है, क्या नुकसान है। तो पुराने पेपर हमेशा करने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, एक सेकेंड।